रावण के अशोक वाटिका में जहां जगत जननी जानकी मैया अपने वनवास काल के दौरान जब रावण के द्वारा हरण करने के बाद लंका लाया गया तो इसी जगह पर मां अशोक वाटिका में निवास करती थी। साथ ही साथ हनुमान जी महाराज का विराट पद चिन्ह का निशान आप सभी को यहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा मंदिर की प्रांगण की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ आज भी राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, गणेश जी, सारी देवी देवताओं की मंदिर यहाँ श्रीलंका के इस मंदिर के प्रांगण में आज भी विराजमान है। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, इस पर्वत को हनुमान कोविल के नाम से जाना जाता है। सात समुद्र जब वो पार करके आए तो इसी पर्वत पर आकर के बैठे थे, खड़े हुए थे, उसके बाद वहां से इस अशोक वाटिका में प्रवेश किए थे। रामचंद्र की और हनुमान जी महाराज की। हेलो, जय श्री राम। मैं हूँ आप सभी के साथ करुणा निधान पांडे और आज हम मौजूद हैं श्रीलंका के अशोक वाटिका में, ऐसी जगह जहां जगत जननी जानकी माता निवास करती थी वनवास काल के दौरान, जब लंकाधिपति रावण माता जगत जननी जानकी मैया को लेकर के लंका आए, श्रीलंका आए, तो ये वो जगह है जहां जगत जननी जानकी मैया इसी अशोक वाटिका में निवास कर रही थी। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं आज और दिखाते हैं कि किस प्रकार से आज भी अशोक वाटिका मौजूद है, श्रीलंका में मौजूद है और किस प्रकार का यहाँ मंदिर है। सारी जानकारी मिलेगी आप सभी को, साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि अगर आप यहां आना चाह रहे हो लंका के इस जगह पर तो कैसे आ सकते हो, किस प्रकार से आ सकते हो, साथ ही साथ किस जगह रुक सकते हो, सारी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ माता जी के मंदिर में भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से जगत जननी जानकी मैया यहाँ निवास करती थी। 14 वर्ष वनवास के दौरान लगभग 1 साल का समय माता जगत जननी जानकी मैया का यहीं पर बीता था। पूरी जानकारी देंगे, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए, ज्यादा देर ना करते हुए लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और दिखाते हैं कैसा है अशोक वाटिका आज के आधुनिक युग में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह है अशोक वाटिका, और ऐसे में मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान समय में मंदिर में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, या यूं कहें कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। और यहाँ पर आप सभी को श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के साथ साथ श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जगत जननी जानकी मैया की प्रतिमा अशोक वाटिका के मंदिर के प्रांगण के प्रवेश द्वार पर ही देखने को मिल जाएगी। और इस प्रकार के यहाँ के लंगूर बंदर हैं, देख लीजिए इन लोगों का पूंछ, नॉर्मली ये बंदर ही हैं और इन लोगों का पूंछ बड़ा है, और अपने जो अयोध्या के बंदर हैं उनसे थोड़ा सा यह बंदर यहाँ के जो थोड़ा भिन्न है और ब्लैक है, इनकी जो पूंछ की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। लंगों को हनुमान जी का दर्जा दिया जाए क्योंकि यहाँ हनुमान जी महाराज भी आए थे। और ऐसे में यहाँ पर आप राम जी का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का प्रतिमा देख पा रहे होंगे। अगर मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ूँ तो आपको पुरानी वो सारी प्रतिमाएँ भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी मंदिर में कार्य चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर भगवान के जो प्रमुख 12 अवतार हैं उसको भी दिखाया गया है। वाराह, वामन अवतार, कल की अवतार, साथ ही साथ सारे अवतार के, भगवान विष्णु के सारे अवतारों का, मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वाराह, सभी का वर्णन यहाँ पर, प्रमुख 10 अवतार जितने भी हैं सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, वाराह अवतार, मत्स्य अवतार, सारे के सारे अवतार आप सभी को मंदिर के प्रांगण में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी मंदिर में निर्माण का कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, तो ऐसे में अभी पूरी तरीके से तो सही नहीं नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जगत जननी जानकी मैया की भी छोटी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, और ये मंदिर के जो है छत का ऊपरी हिस्सा है, और यह जो ऊपरी हिस्सा आप देख पा रहे हैं अशोक वाटिका मंदिर के प्रांगण का, ये अभी निर्माण किया जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे राम जी की कई आकृतियाँ, राम जी की कई मंडल स्वरूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ राम जी को आसन पर बैठाया गया है, और इधर आप राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इधर अगर मैं बढ़ूँ तो आप मंदिर की सारी आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में अद्भुत है। और राम जी के पुत्रों का भी यहाँ वर्णन किया गया है, लव और कुश का, वो भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे दृश्य मंदिर के प्रांगण के दृश्य हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए त्रिजटा माता भी आपको नज़र आ जाएंगी, जिनका वर्णन रामायण में आप सभी को देखने को मिलता है। सारे
राक्षसों का भी वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लंकाधिपति रावण की कुछ इस प्रकार से यहाँ तस्वीर जो है वह बनाई गई है, और नीचे विष्णु भगवान और लक्ष्मण जी की प्रतिमा आप सभी को दृष्टिगत हो पाएगी। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अभी इधर निर्माण कार्य चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसके अगर मैं इधर की बात करूं तो यहाँ पर जो नदी है वो प्रवाहित होते हुए जा रही है, और वहाँ ठीक इस जगह कैमरे को जूम करके दिखाएं तो हनुमान जी और जगत जननी जानकी मैया विराजमान हैं, जहाँ पर आप को मैं ले के चलूँगा और दिखाऊँगा किस प्रकार से आज भी उनका पदचिन्ह हनुमान जी महाराज का विराजमान है जब वह मुद्रिका देते हैं, सारी जानकारी देंगे। चलिए अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और दिखाते हैं यहाँ आज अंदर से मंदिर किस प्रकार से है, किस प्रकार से अभी कार्य चल रहा है, कार्य चलने की वजह से इसको कवर्ड किया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए आप सभी को हम लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में। रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, जगत जननी जानकी मैया की, जय जय श्री राम, जय जय श्री मंदिर का प्रांगण तो आप लोगों ने देखा ही देखा, जहां ये मंदिर एक तरफ है वहीं दूसरी तरफ मंदिर पे निर्माण का कार्य चल रहा है। अब मैं आपको उस जगह लेके चलने वाला हूँ जहाँ श्री हनुमान जी महाराज माता जी को मुद्रिका देते हैं, और माता जी मुद्रिका देखकर पहचानती हैं, गोस्वामी बाबा ने लिखा भी है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चतिव चकित चितव मुद्री पहचानी। और यहाँ पर देख सकते हैं वो नदी है वो जो हनुमान जी जहाँ पर मुद्रिका गिराते हैं, जिस अशोक के पेड़ के नीचे माता जगत जननी जानकी मैया बैठी होती हैं, वो नदी आज भी यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को दिखाऊंगा किस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर मुद्रिका देते हैं, और मुद्रिका लेने के बाद श्री हनुमान जी बोलते हैं ना, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी, उस आपके उस करुणा निधान का शपथ है, आपके उस करुणा निधान का सौगंध है कि मैं उसी राम जी का दूत हूँ। तो ये दृश्य यहाँ पर आपको अशोक वाटिका में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो देख रहे हैं आप ना अशोक वाटिका का यह दृश्य, और वो नदी आज भी अपनी धारा के साथ लगभग हजारों वर्षों के साथ करोड़ों वर्षों के बाद इस प्रकार से बहती हुई निर्मल जल आज भी आप सभी को नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर माता जगत जननी जानकी मैया और हनुमान जी का दृश्य आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। और माता जी जब अस्वस्थ हो जाती हैं तो हनुमान जी बोलते हैं, माँ हमें अब भूख लगा है, ये कहानी तो आप सभी जानते होंगे। तब माता जगत जननी जानकी मैया बोलती हैं कि पुत्र तुम जा सकते हो लेकिन यहाँ राक्षसों से बच के रहना। लेकिन जगत जननी जानकी मैया को विश्वास नहीं होता है। तब हनुमान जी यहाँ अपना विराट रूप दिखाते हैं, और वो विराट रूप पद चिन्ह आज भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको हनुमान जी और सीता जी की यह प्रतिमा देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग नदी के अंदर आपको दिखाई देंगे जो स्नान करते हुए तथा घूमते हुए भी नजर आ जाएंगे। अभी वर्तमान समय में निर्माण का कार्य चल रहा है और नदी को एक दिशा प्रदान की जा रही है, तो देखिए कब तक कंप्लीट हो जाता है, और जब यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा। और उस पर्वत को जो ये सामने देख रहे हो, इसे हनुमान पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और आप देखेंगे तो ये दो दो पैर के निशान के टाइप से यहाँ बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये दो पैर का निशान ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हनुमान जी इन्हीं पर्वतों पर आकर खड़े हुए थे, अपना दो पैर का निशान, इसलिए इसका आज भी कोविल हनुमान कोविल पर्वत के नाम से जाना जाता है, और इस जगह को सीता कोविल के नाम से जाना जाता है। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, इस पर्वत को हनुमान कोविल के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी महाराज उसी पर्वत पर आकर के सात समुद्र जब वो पार करके आए तो इसी पर्वत पर आकर के बैठे थे, खड़े हुए थे, उसके बाद वहां से इस अशोक वाटिका में प्रवेश किए थे, और वो अशोक वाटिका आप यहां पर देख पा रहे होंगे। मैं नीचे की तरफ लेके चलूंगा और ए टू जेड आपको दिखाऊंगा किस प्रकार का है आज के समय अशोक वाटिका। जय श्री राम, जय श्री
जय जय श्री राम, जय जय श्री। सीता कोविल में अगर आप रुकना चाह रहे हो तो ये सारी जगह हैं जहां पर आप आकर रुक सकते हो, और यहीं पर मैंने अपना जो रूम है वो लिया है, और इस प्रकार का दृश्य आप सभी को यहां पर देखने को मिलेगा हनुमान कोविल के नीचे। और चलिए आप सभी को रूम भी दिखा देते हैं, रूम की प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो रूम कुछ इस प्रकार से रहेगा होटल के अंदर, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो इस रूम को मैंने लिया था, ये रूम आप देख पा रहे होंगे, और इस रूम का जो प्राइस है वो है श्रीलंकन 3000 रुपये के में अंदर। आई थिंक इंडिया का अगर हम बात करें तो 1000 रुपये तक आपको यह रूम जो है वह मिल जाएगा, बढ़िया फैसिलिटी के साथ, और एक अच्छा व्यू यहां से आप देख भी सकते हो बाहर की तरफ जा करके। और लैट्रिन बाथरूम भी यहां का बहुत ही अच्छा है, और ये सारी की सारी व्यवस्थाएँ श्रीलंका में आपको इस प्रकार से रूम में मिल जाएंगी। यहां रुकना चाहो यहां रुको, या मैं तो ये कहूंगा, सजेशन करूंगा कि नुआरा एरिया में रुकने आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो अशोक वाटिका का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से पुनः एक नए ब्लॉग, एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।